देखिए, मुख्य रूप से अब गृह मंत्री जी से हमारे छत्तीसगढ़ में जो समस्या है नक्सल की, और उस संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई, और वहाँ जो विकास के जो गति रुकी हुई है उसे फिर से गति प्रदान करना है, लोगों को रोज़गार देने के लिए काम करने हैं, सड़कें बनाना है, टावर लगाना है, और वहाँ के विकास के लिए चर्चा हुई, और अभी 5 बटालियन भेजा भी गया है। तो सुरक्षा विकास, जब तक नक्सली समस्या के दूसरा जो एंगल है विकास की आवश्यकता, लोगों के रोज़गार की आवश्यकता, इस संदर्भ में मैंने बात की, तो बहुत ही सकारात्मक उनका रुख रहा है। आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बैठक होगी जिसमें समुचित तौर पे सभी विभागों के बारे में विस्तार से चर्चा होगी। मतलब बाकी मुलाकातें कैसी, आज की जो बाकी मुलाकातें हैं धर्मेंद्र प्रधान जी से और नितिन गडकरी जी से मिलने जाएंगे? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान जी से जो मीटिंग है वो एथनॉल के लिए है, और उन्होंने मतलब हम लोग 1.5 साल से लगातार प्रयास करते रहे, तो पेडी से एथनॉल के लिए स्वीकृति भारत सरकार से मिली है, लेकिन एक क्लास जो डाला गया है कि FCI से ही लेना पड़ेगा, तो फिर राज्य सरकार में हमारे पास जो अधिशेष जो धान या चावल बचता है उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, तो वो अनुमति हमको मिलना चाहिए, ये बात मैं रखने वाला हूँ। आपने बस्तर संभाग में विकास की जो हवा बहे उसके लिए लगातार आप प्रयासरत रहे, तो ऐसे में गृह मंत्रालय से क्या आपको आश्वासन मिला है, क्योंकि आपने ये भी मांग की है कि 30% जो है लॉ आपको मिले सस्ते दर पे मिले, तो उससे होगा कि वहाँ उद्योग लगेंगे, और उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोग तो उतने ही हैं, ये चाहे उनको हम रोज़गार दे के मुख्यधारा में ले आए लोगों को, नौजवानों को, या फिर वो खाली बैठे रहेंगे तो नक्सली अपने प्रभाव में ले आते हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमको उन लोगों को मुख्यधारा में ले आए, ये कोशिश हमारी है। बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है, और आने वाले कुछ दिनों में फिर से एक बैठक होगी हमारी विभागीय अधिकारियों के साथ, जो बिंदु हैं उसको हम पहले से अभी तो दिए हैं, लेकिन और विस्तार से उन जो हमारी मांगे हैं उसको रखेंगे, ताकि उन बिंदुओं पे अन्य विभाग के अधिकारी हैं उनको बुला के उसमें चर्चा की जाएगी। तो बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है। सर, नक्सल को लेकर आपने जो ब्लूप्रिंट दिया खासतौर से इससे निपटने को लेकर, उस पर क्या आश्वासन मिला? वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें मामले में फिर कुछ दिनों बाद और बैठक होगी। नितिन गडकरी जी से मुलाकात सर शाम? गडकरी जी से नागपुर में मुलाकात होगी, सड़कों के मामले में पिछली दीपावली में मुलाकात हुई थी, लेकिन सड़कें वहीं की वहीं हैं, बढ़ी नहीं है, तो अभी फिर से हमारी कोशिश है, आज शाम को मीटिंग है, यहाँ 3 बजे प्रधान जी से मीटिंग होगी, उसके बाद तुरंत बाद नागपुर निकल जाऊँगा, और वहाँ गडकरी जी से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उसके लिए बातचीत होगी। थैंक यू।